दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। दोस्तों आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आज के समय पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पारिवारिक कलह और परिवार को टूटने की कई घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी समझदारी से हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, बस जरूरत होती है तो एक एहसास की। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी, कहानी रिश्तों के अहमियत की। और कहानियां देखी नहीं, सुनी जाती हैं। राज आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि राज बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन। लेकिन क्या? बीच में टोकते हुए राज की पत्नी निधि ने पूछा। राज के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थी और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंद ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिखकर बयान करना चाहती हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? निधि ने एक बार फिर पूछा, लेकिन राज अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके कुछ बताने की कोशिश की। तुम्हारे पापा का फोन आया था। सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी ने बोला, हाँ सब ठीक है, बस वो कह रहे थे कि केतन का उनसे झगड़ा हो गया और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। केतन का तो दिमाग खराब हो गया है, अभी शादी को 4 दिन भी न हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। निधि गुस्से से पागल हो रही थी। उसे शांत करने के लिए राज ने उसे समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि केतन ही सही हो, तुम्हारे माता पिता ने भी कुछ गलत किया हो। आप भी क्या बात कर रहे हैं, मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या आपको लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? मुझे अभी जाना है केतन के पास, उसे पूछूंगी मैं कि उसने ऐसे करने की हिम्मत कैसे की। क्या इस समय जाना सही होगा? राज ने कहा। ये सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है बस। इस समय राज निधि को किसी भी तरीके से नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ठीक समझा। राज और निधि की शादी को 8 महीने हो चले थे। केतन निधि का भाई था, उसकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। निधि अपने मायके पहुंची, अभी राज कार से उतरा भी नहीं था। इतनी देर में निधि दरवाजे से घर के अंदर चली गई। ड्राइंग रूम में निधि के पिता बैठे थे। निधि गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है केतन? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? निधि के पिता हैरान होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, निधि बेटा क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि केतन हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में केतन की पत्नी किचन से बाहर निकल कर आई। पिताजी के सवाल और केतन की पत्नी को देखकर निधि एक पल मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच में हो रहा है या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राज अभी तक वहां पहुंचा नहीं था, इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने राज को वहां खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, राज बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। लेकिन क्यों? अब तो निधि के साथ उसके पिता और केतन की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में निधि की मां भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। राज बोला, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूं। हम छोटे हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। निधि सब समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका था कि अपने सास ससुर को गलत ठहराना गलत था। परिवार में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन बुजुर्गों को दोषी ठहराकर उन्हें अपने से अलग कर देना बिल्कुल सही नहीं है। निधि की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। लेकिन वो गए कहाँ थे? क्या मतलब? मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसीलिए मैंने उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुंच गए होंगे। आप भी ना। और फिर निधि ने राज को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपने घर चल पड़े। बस यही है रिश्तों की अहमियत, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करिए, जीवन खुद ब खुद मजेदार हो जाएगा।
और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल अनुतोष द वॉइस के साथ। जय हिंद।